कोरोना भयावह रूप ले चुका है और इसी बीच जहां पर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं पर आए दिन डॉक्टर्स और मरीजों के बीच में विवाद की खबरें भी सामने आती रहती हैं। इसी कड़ी में जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में देर रात नर्सेज और स्थानीय नेताओं के बीच मरीज के उपचार को लेकर विवाद हो गया। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में मंगलवार देर रात 11:30 बजे नर्सेज और कांग्रेस के नेताओं के बीच मरीज को भर्ती करने को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस नेताओं ने अपने किसी परिजन के लिए बेड की मांग की तो डॉक्टर ने कहा कि वेटिंग में नंबर आएगा, उसके बाद ही बेड मिलेगा, जिसको लेकर विवाद हो गया, जिस पर पहले हेल्प डेस्क के दिव्यांग नर्सिंग कर्मचारी इंसाफ और डॉक्टर राजीव लोचन के साथ कांग्रेस नेताओं ने बदसलूकी की। इस घटना से नाराज नर्सिंग कर्मचारी और डॉक्टर्स ने विरोध में काम बंद कर दिया और अस्पताल के मुख्य परिसर में एकत्रित हो गए। खास बात यह है कि जिस दौरान हंगामा हुआ उस समय महिला कांस्टेबल पहुंची तो महिला कांस्टेबल को भी नेताओं ने टरका दिया। तो इंस्पेक्टर साहब थे और सीओ साहब आए थे, वो इंस्पेक्टर साहब उनको अरेस्ट करने के लिए गए, वो अरेस्ट करके उनको ले जा रहे हैं, FIR लॉज हमारे प्रशासन करा रहा है और भविष्य में ऐसे प्रकरण न हो, इस तरह का इंसिडेंट न हो, उसके लिए हमने सीओ साहब से और मैं जिला प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि यहाँ पुलिस की चौकी अलग से बना दी जाए ताकि एक मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट जाए, अनावश्यक भीड़ न हो। अनावश्यक भीड़ होने से ही ये परेशानी होती है, इसके लिए हमने बात कर ली है और कल से ये व्यवस्था हो जाएगी, एक मरीज का एक ही जाएगा और पुलिस हमारे गार्ड के अलावा पुलिस के गार्ड भी खड़े रहेंगे, पुलिस खुद स्वयं खड़ी रहेगी जो इनको एंट्री देगी, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री देगी। नर्सिंग कर्मियों से क्या वार्ता रही आपकी? अब वार्ता रही है, उन्होंने जो डिमांड रखी है अरेस्ट की वो हमने अरेस्ट करा दिया है और जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमारे को कुछ सजेशन दिए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, वो भी हम इंक्लूड करेंगे और जो उन्होंने भी दिए हैं कि भाई एक अटेंडेंट एक मरीज के साथ है वो हम उसकी व्यवस्था मैंने आपसे भी अधीक्षक साहब से बात कर ली है और पुलिस प्रशासन से कर ली है, उसको हम शीघ्र इम्प्लीमेंट कर देंगे ताकि पुनः हादसा ना हो। इस पर कांस्टेबल वहां से लौट गईं, दूसरी ओर अस्पताल की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी तो थाना अधिकारी पंकज माथुर मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी दोनों नेताओं को बाहर ले जाने की कोशिश की तो उनको भी यही कहा गया। इधर नर्सेज और डॉक्टर्स के काम छोड़ने की जानकारी मिलने पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SS राठौर अस्पताल पहुंचे, उन्होंने नर्सिंग कर्मचारियों और डॉक्टर्स के साथ बातचीत की। नर्सेज ने बताया कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हमारी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं है। सुरक्षा कर्मचारियों ने कहा है कि तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी हम काम पर नहीं लौटेंगे। इस पर रिपोर्ट लिखकर शास्त्री नगर थाना अधिकारी को दी गई, जिसके बाद पुलिस ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामनिवास, कांग्रेस नेता पुनीत जांगू और ओम प्रकाश को थाने लेकर गई, जिसके बाद देर रात मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के कहने पर डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी फिर से काम पर लौटे। पंजाब की CCTV के लिए जोधपुर से जितेंद्र ढूडी की रिपोर्ट।